गुड आफ्टरनून चिल्ड्रेन, आज हम स्टडी करेंगे चैप्टर 2। सब्जेक्ट आपका इंग्लिश है, क्लास थी। जैसा कि आप ब्लैक बोर्ड पे आपका शो कर रहा है, पेज नंबर 9 ओपन करिए। इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। कराटे किटेन, एक किटेन जानते हैं बिल्ली का बच्चा। तो रीड एंड एंजॉय दिस स्टोरी, स्टोरी को, इस कहानी को पढ़िए और आनंद लीजिए। व्हेन रोहित वाज 9, हिज फैमिली लिव्ड इन ए स्मॉल टाउन। जब रोहित 9 साल का था, हिज फैमिली लिव्ड इन ए स्मॉल टाउन, उसका जो परिवार था वह एक छोटे कस्बे में रहता था। हिज फादर राजा राव वाज ए कलर इन राव एंड राव कंपनी। तो उसके पिता का नाम जो है राजा राव है, वाज ए कलर थे, राव एंड राव कंपनी में वे कलर के पोस्ट पर नियुक्त थे। रोहित मदर वाज हाउसवाइफ, रोहित की जो माँ थी वो एक हाउसवाइफ, मिस होता है गृहिणी, वो एक गृहिणी थी। ही यूज्ड टू बी अलोन इन द डे टाइम व्हेन रोहित वाज एट स्कूल एंड राजा राव इन हिज ऑफिस। कि जब राजा राव ऑफिस चले जाते थे और रोहित जो था वो स्कूल चला जाता था, तो उसकी माँ घर में उसको अकेला महसूस होता था, बस खालीपन महसूस होता था। तो फिर ही वांट टू हैव ए पेट, वह चाहती थी कोई भी पालतू जानवर रखने के लिए वो चाहती थी। ही आस्क्ड रोहित फादर सेवरल टाइम्स फॉर ए पेट, कि वह अपने हस्बैंड या रोहित के पिता से कई बार एक पालतू जानवर रखने के लिए कह चुकी थी या बोल चुकी थी। रोहित आल्सो सपोर्ट हिज मदर, और इस पक्ष में जो रोहित था वह उनका हमेशा सपोर्ट करता था। मैंने देर पास बहुत दिन बीत गए, बट राजा राव डिड नॉट ब्रिंग होम एनी प्लान। लेकिन बहुत दिन बीत जाने के बाद भी राजा राव जो होते हैं वो एक पालतू जानवर नहीं लेके आते हैं। जानकी सेड टू हरसेल्फ, फिर जैसे आपकी इच्छा, जैसे आप कभी किसी अपने पेरेंट्स से ज़्यादा कुछ भी बोल रहे हो और आपकी के पेरेंट्स आपकी बात को इग्नोर कर देते हैं या आपकी बात को भूल जाते हैं, तो अधिकतर हम लोग अपने मन में सोचने लगते हैं कि ऐसा नहीं हो रहा है, अब हम ऐसा करेंगे। तो इसी तरह से जानकी सेड टू हरसेल्फ, जानकी जो होती है अपने आप से बात करती है, अपने आप से कहती है, आई शुड गेट ए पेट ऑन माय ओन, कि मैं अपने से पालतू जानवर लेके आऊंगी। वन मॉर्निंग जानकी एंड रोहित वेंट टू ए पेट शॉप ऑन रेलवे रोड नियर द कलर क्लॉक टावर। कि जब उनके पिता राजा राव जो होते हैं वो एक पेट नहीं ला पाते हैं, तो वो उनकी माँ होती है जानकी देवी, वो डिसाइड करती है कि मैं खुद से जाके पेट लेके आऊँगी। तो एक दिन वो इस चीज़ को डिसाइड कर लेती है कि आज मैं लाकर दूँगी। तो वन मॉर्निंग जानकी एंड रोहित वेंट टू ए पेट शॉप ऑन रेलवे रोड नियर द क्लॉक टावर। कि एक सुबह जानकी और रोहित वेंट टू ए पेट शॉप, कि एक जो पालतू जानवरों की जो दुकान थी वहाँ पे जाते हैं ऑन रेलवे रोड, जो रेलवे रोड पे था नियर द क्लॉक मीनार टावर, और जो क्लॉक टावर के पास जो रेलवे रोड था वहाँ पे ये जो शॉप थी, जो दुकान थी वहाँ पे थी, द प्लेसेंट शॉपकीपर्स वेलकम दे। जो शॉप जो दुकानदार होता है उनको देखकर खुश हो जाता है और उनका स्वागत करता है। जानकी एक्सप्लेन हर प्रॉब्लम टू द शॉपकीपर, जानकी जो होती है अपना जो अपना प्रॉब्लम होता है शॉपकीपर से पूरा विस्तार पूर्वक बताती है। कि द यंग शॉपकीपर एडवाइस जानकी टू बाय ए, जैसे जो उसकी प्रॉब्लम थी कि वो घर में अकेले रहती थी, उसका दिल नहीं कटता था, तब वो घर में अकेला महसूस करती थी। यही बात वो शॉपकीपर से जब बोलती है, तो शॉपकीपर द यंग शॉपकीपर जो युवक शॉप दुकानदार होता है एडवाइस जानकी टू बाय ए किटन,
चला देता है, एक एक किटन मिस होता है बिल्ली का बच्चा, उसको बिल्ली का बच्चा खरीदने के लिए जो शॉप दुकानदार होता है वह सलाह देता है कि आप एक बिल्ली का बच्चा खरीदिए। तो फिर जानकी पूछती वाई एक किटन, कि जानकी के मन अंदर ये जिज्ञासा पैदा हो जाती है कि ये बिल्ली की बच्ची बच्चा क्यों, और तो कोई जानवर भी तो हम ले सकते हैं, क्यों ये जो शॉपकीपर है ये हमें बिल्ली का ही बच्चा लेने के लिए क्यों सलाह दे रहा है या एडवाइस दे रहा है। तो बिकॉज इट इज स्पेशल, तो दुकान शॉपकीपर जो होता है वो बोलता है कि क्योंकि इट इज स्पेशल, यह विशेष है, इसमें एक विशेषता है, इसलिए मैं आपको सलाह दे रहा हूँ कि आप एक बिल्ली का ही बच्चा लीजिए। वाट इज द, फिर उसके मन में एक जिज्ञासा, जानकी देवी के मन में एक जिज्ञासा आ जाती है कि वाट इज, जिसे वो दुकानदार बनता है कि इट इज स्पेशल, कि ये एक यह विशेष है। तो जानकी के मन में भी जिज्ञासा आती है कि इसमें ऐसा क्या बात है कि इसको स्पेशल बनाया जा रहा है, इसको विशेष विशेष बता के इसका इसको विस्तार किया जा रहा है इसको। तो वाट इज द स्पेशल अबाउट द किटन, जानकी जानकी पूछती है कि बिल्ली के बच्चे में क्या विशेषता है। इट इज अ कराटे किटन, यह है, तो जब दुकानदार होता है शॉपकीपर जो होता है वो बोलता है कि इट इज अ कराटे किटन, यह है कराटे बिल्ली का बच्चा है, तो कराटे करने वाली ट्रेंड इन जापान, इसको जापान में ट्रेंड किया गया है। जापान मैडम, जापान की जो महिला थी उनसे के द्वारा इसको ट्रेंड किया गया है। इट्स द ओनली कराटे किटन इंडिया इन इंडिया, कि यह भारत में ओनली किटन, ओनली कराटे किटन है, भारत में केवल एक ही कराटे बिल्ली का बच्चा है। व्हाट डज इट डू, तो जानकी पूछती है यह क्या क्या कर सकती है। रोहित सॉरी रोहित पूछता है, रोहित रोहित आज करियसली कि रोहित जिज्ञासा से पूछता है कि यह क्या कर सकती है। कराटे सेड द शॉपकीपर, शॉपकीपर बोलता है कि कराटे आई विल गिव यू ए लॉट एंटरटेनमेंट, मैं तुमको एक मनोरंजन, एक बहुत ज़्यादा मनोरंजन देता हूँ कराटे। रोहित एंड हिज मदर शाउटेड एट वंस, कि मतलब जब वो सुनते हैं कि जो किटन है वो कराटे किटन है, तो उसके मन में दोनों के मन में इतनी लालसा उत्पन्न हो जाती, इतनी जिज्ञासा उत्पन्न हो जाती, दोनों एक साथ बोलते हैं कराटे। द शॉपकीपर प्लेस्ड एंड वन चेयर इन द मिडिल ऑफ द शॉप, जो दुकानदार होता है एक जाके दुकान के बीच में एक चेयर पे बैठ जाता है। देन ही ब्रॉट ए लिटिल किटन, तब वह एक बिल्ली का बच्चा लेके, छोटा सा बिल्ली का बच्चा लेके आता है। इट वॉज वाइट एंड क्यूट, कि यह सफ़ेद और देखने में बहुत सुंदर था। वे ही सेड, तब वो बोलता है कराटे किटन कराटे चेयर, दुकानदार बोलता है किटन कराटे चेयर, द किटन जंप ऑन द चेयर विथ बिगर इन ए मैटर ऑफ सेकेंड, किटन ब्रोके द चेयर इंटू टू पीस, कि जो दुकानदार होता है दुकान के बीच में बैठ जाता है और कराटे बिल्ली के बच्चे से बोलता है कि कराटे चेयर, कि किटन जो होती है वो दौड़ के जाती है चेयर पे, इतना तेज से जंप करती है कि इन ए मैटर्स ऑफ सेकेंड, कुछ ही पल में कुछ ही सेकेंड में किटन जो कि द चेयर इंटू टू पीस, कि कुछ ही सेकेंड में इतना तेज से वो उसको जंप करती है कि कुछ ही सेकेंड में जो चेयर होता है उसके दो भाग हो जाते हैं या चेयर के दो टुकड़े हो जाते हैं। हाउ वाओ, दोनों रोहित जंप विथ जॉय, जो जब इस एक्टिविटी को देख के, किचन की एक्टिविटी को देख के जो रोहित होता है वो जोर से जंप करता है और खुश हो जाता है।
है, कितना अद्भुत ये बिल्ली का बच्चा है। जानकी कैट फॉर द किचन। जानकी कैट फॉर द किचन, जानकी होती है वो बिल्ली के बच्चे का भुगतान करती है या पूरा पैसा उसको दुकानदार को देती है। रोहित एंड हिज मदर लिव फॉर द हाउस, और रोहित और उसकी मम्मी घर की ओर वापस चल देती हैं। When they reach home, जब वो लोग घर पे पहुँचते हैं, When they reach home, जब वो लोग घर पे पहुंचते हैं, search for old box, crockery and other useless articles and brought them to house, कि वो लोग जब घर पे पहुंचते हैं तो कुछ पुराने खोजने लगते हैं, ओल्ड बॉक्सेस, पुराने बक्सों को, कुछ मिट्टी के बर्तन को एंड अदर्स यूजलेस आर्टिकल्स, और कुछ पुराने चीज़ों को वो लोग खोजने लगते हैं। एंड ब्रॉट देम टू द हॉल, और अपने जो उनका जो हॉल होता है, जो ड्राइंग रूम होता है, उसमें वो लोग सब सामान डालने लगते हैं। जैसे उनके मन में, जैसे दुकानदार ने जिज्ञासा लालसा पैदा कर दी थी कि एक कराटे टीचर है, जैसे उन्होंने देखा भी था कि किस तरह से बिल्ली ने चेयर के दो भाग कर दिए थे, तो इसी तरह से उनके अंदर भी आते ही उनके अंदर एक जिज्ञासा पैदा हो गई थी, एक लालसा पैदा हो गई थी, और वो पुराने चीज़ों को खोजने लगते हैं। फिर द कराटे टीचर समसॉर्ट मेनी आइटम, फिर जो कराटे टीचर बिल्ली का बच्चा होता है वो पूरे जो सामान होते हैं उसको तोड़ देता है। रोहित वाज वेटिंग फॉर हिज फादर, फिर क्या होता है कि रोहित अपने अब पूरा जैसे जो भी होता है वो देख चुके होते हैं दुकान पे भी घर पे भी, तो अब रोहित को अपने पापा से बात करने के लिए दिखाने के लिए वो अपने पिता का वेट करने लगता है। ही वाज curious to tell him about the karate teacher, उसके अंदर एक जिज्ञासा थी कि वह ही वाज टेल कि वह अपने पिता से कब अपने पिता से इसके बारे में बताया। उसके अंदर ये जिज्ञासा चल रही थी, दिलचस्पी चल रही थी कि वह कब उसके पिता घर आए और कब वो अपने पिता से ये सब इस बिल्ली के बारे में बताए। फिर रोहित वाज हैप्पी एंड स्टार्टेड सिंगिंग ए सॉन्ग, रोहित इतना खुश था कि वह एक गाना शुरू कर देता है। कराटे किचन जंप हियर एंड देयर, कि कराटे किचन एक पोयम भी वो तैयार कर लेता है कि जो बिल्ली का बच्चा है, कराटे बिल्ली का बच्चा है, वह कूद रहा है इधर से उधर, बीटिंग थिंग्स एवरीवेयर। कराटे किचन प्रोनाउंसेस हियर एंड देयर, क्रशिंग थिंकिंग्स एवरीवेयर। कराटे किचन स्टम्प हेयर एंड देयर, असम समथिंग थिंग्स एवरी वेयर। वेन राजा राव कम होम इन द इवनिंग, फिर जब शाम हो जाती है तो राजा राव घर वापस आते हैं। रोहित एंड जानकी वेयर प्लेइंग विद कराटे किचन, रोहित और जानकी जब वो घर आते हैं तो रोहित और जानकी उस बिल्ली के बच्चे के साथ खेल रही थी। द हॉल वाज फिल्ड विद ब्रोकन डेन पीसेस एंड क्रैकरी, जो उनका ड्राइंग रूम था, जो उनका ड्राइंग हॉल था, वह पूरा भरा हुआ था ब्रोकन वुडन की लकड़ियों के टुकड़े, जो लकड़ियाँ वुडन पीसेस कि जो लकड़ी के टुकड़े से और मिट्टी के बर्तनों के टुकड़े से पूरा एकदम उनका हाल जो था वो एकदम भरा हुआ था। ही वाज अनॉयड एंड शाउटेड व्हाट्स गोइंग ऑन हियर, कि वह सब चीज़ों को देखते हैं तो वो आश्चर्यचकित हो
की जोर से चिल्लाते हैं, ये सब क्या हो रहा है? बच्चों आज तक के लिए इतना ही, और इस स्टोरी के बारे में हम कल डिस्कस करेंगे। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।